हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रपा जी का कोट है 1968 लेटर टू हाईग्रीव, वृंदावन डज नॉट रिक्वायर टू बी मॉडर्नाइज्ड बिकॉज कृष्णास वृंदावन इज ट्रांसेंडेंटल विलेज। दे कंप्लीटली डिपेंड ऑन नेचर्स ब्यूटी and nature's protection. The community in which Krishna preferred to belong was Vaishya community because Nand Maharaj happened to be a Vaishya king or land holder and his main business was cow protection. It is understood that he had 9 lakh cows and Krishna and Balram used to take charge of them along with his many cowherd boyfriends. And every day in the morning, he used to go out with his friends and cows into the pasturing grounds. इसका हिंदी में अनुवाद है, वृंदावन को आधुनिक बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण का वृंदावन एक दिव्य देहात है। वे पूरी तरह से प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति द्वारा संरक्षण पर आश्रित है। श्री कृष्ण ने जिस समुदाय को चुना वह वैश्य समुदाय है क्योंकि नंद महाराज वैश्यों के राजा थे अथवा जमींदार और उनका प्रमुख कार्य गो रक्षा था। माना जाता है कि उनके पास 9 लाख गायें थी और कृष्ण और बलराम अपने अनेक ग्वाल मित्रों के साथ उनकी देखरेख करते थे। प्रतिदिन प्रातः वे अपने मित्रों के साथ गायों को चराने के लिए चरागाह में ले जाते। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन प्रणाम। हरे कृष्णा, धन प्रणाम। तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वृंदावन जहाँ भगवान श्री कृष्ण आज से लगभग 5000 साल पहले आए और लीलाएं की, वो एक दिव्य विलेज है, दिव्य गांव है और उसको मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता नहीं है। बताया गया है, प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे कि गांव में रहना सात्विक गुण में रहना है, शहर में रहना राजसिक गुण में रहना है और किसी ब्रोथल में रहना, कसाई घर में जाना, गैम्बलिंग डेन में जाना, ये तमोगुण में रहना है और किसी मंदिर में रहना ये शुद्ध सत्व गुण में रहना है। तो वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का लीला स्थली है, दिव्य है। जी कहते हैं कि वहां नेचर की प्रोटेक्शन के ऊपर फैसिलिटी सब जो है वो प्रोवाइड करते थे। जिस प्रकृति है भगवान श्री कृष्ण के कंट्रोल में है। वृंदावन के बारे में कहा गया है सर्व काल सुखावहा, हर समय हर काल में वृंदावन का जो एटमोस्फियर है वो बहुत सुखमय है। वृंदावन में प्रतिदिन नए नए फूल खिलते हैं, नई नई घास उगती है, नए नए पेड़ों पर फल लगते हैं। जो पहले दिन था वैसा नहीं है, उससे बेहतर नेक्स्ट डे होता है, ये वृंदावन है। और वहां का टेम्परेचर इतना कृष्ण को उनके सखाओं को सुख से रखता है, ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी, उस प्रकार का टेम्परेचर वहां होता है। तो प्रकृति भगवान श्री कृष्ण की लीला के लिए हर प्रकार की सुविधा प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों अवतार हुए हैं, हर योनि में अवतार हुए हैं, कूर्म, मत्स्य, वराह, नृसिंहदेव, श्री राम, लेकिन उन सब में जो नर योनि में अवतार हुए हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। और उनमें भी भगवान की जो लीलाएं वृंदावन में हुई हैं वो सर्वोत्तम है। उनकी मथुरा लीला, द्वारका लीला ऐश्वर्य युक्त है, लेकिन
श्री कृष्ण की जो वृंदावन लीला है उनके अपने ग्वाल बालों के साथ, भगवान एक गोप ग्वाल बाल बनना चाहते हैं, साधारण गोप बनना चाहते हैं और अपने मित्रों के साथ जो लीलाएं करते हैं, गोपियों के साथ जो लीलाएं करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ लीलाएं हैं। नर यो एक मनुष्य की योनि में भगवान जब रूप में प्रकट होते हैं वृंदावन उनकी जो लीला है सबसे अधिक मधुर है। वृंदावन की जो रेणु है वो बहुत पवित्र है। जब देवता या भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं तो साधारणतः वो भूमि को नहीं छूते। पृथु महाराज के यज्ञ में भगवान विष्णु आए, शास्त्र वर्णन के पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर रहे। नृसिंहदेव भगवान आए, उन्होंने स्लीपर पहने हुए थे, लेकिन श्री कृष्ण वृंदावन में लौटते हैं, उनकी रज में अपने आप को पूरा रज प्रभु बिखेर लेते हैं। इसलिए वृंदावन की रज को ब्रह्मा, नारद, उद्धव सब उसके लिए याचना करते हैं कि हमें किसी, ब्रह्मा जी कहते हैं वहां घास फूस बन जाऊं ताकि ब्रज के भक्तों की जो चरण रज है वो मेरे ऊपर पड़े। तो वृंदावन का बड़ा महत्व है और वृंदावन में हर कोई भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता करना चाहता है। श्री कृष्ण भी सेवा करना चाहते हैं, यहाँ तक कि गैया भी गायें भी भगवान श्री कृष्ण की सुविधा का ख्याल रखती। एक बार श्री कृष्ण जब गाय चराने जा रहे थे तो यशोदा मैया ने उनके लिए वन पेयर ऑफ शूज बना कर दिए और कहा कि तुम ये पहन लो, जंगल में पत्थर हैं, कांटे हैं, चुप जाएंगे। तो कृष्ण के साथ जैसा आज की कोट में भी बताया गया है 9 लाख गाय होती थी, उनको चराने जाते थे। वृंदावन दिव्य स्थान है, उसके ऊपर टाइम स्पेस प्रकृति की तीन गुणों की कोई लिमिटेशन नहीं है। इस छोटे से वृंदावन में 9 लाख गाय तो केवल नंद महाराज की थी, औरों की बड़ी गाय थी, कैसे समाती थी वो, दे वर ऑल ट्रांसेंडेंटल। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कथाएं हैं, सत्य बात है। तो कृष्ण ने कहा कि मैया मेरे साथ जो मेरी गाय है इनके लिए भी आप स्लीपर बना के दोगे तब मैं पहनूंगा। तो मैया हैरान रह गई, 9 लाख गायें और एक गाय को 4 पाव, दैट मींस 18 लाख पेयर्स ऑफ शूज वाज रिक्वायर्ड व्हिच वाज नॉट पॉसिबल। तो कृष्ण ने जूते नहीं पहने, लेकिन गायों ने क्या किया, गायों ने अपने खुरों से उन पत्थरों को, उन कंकरों को, उन कांटों को तोड़ तोड़ कर जोर जोर से अपने खुर मार कर उसको एक फाइन डस्ट में बदल दिया, फाइन रज में बदल दिया, ताकि कृष्ण को जो उनकी मैया का चिंता थी कि कंकर ना चुभे कांटे ना चुभे, वो सब के सब उससे वो निवृत्त हो गए, दूर हो गए। तो श्री कृष्ण भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, वृंद में ग्वाल बालों की सेवा करना चाहते हैं और ग्वाल बाल सखा गाय गोपियां श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते। वृंदावन एक दिव्य स्थान है। वृंदावन को हम चैतन्य महाप्रभु के द्वारा समझ सकते हैं। उन्होंने अपने 6 गोस्वामियों को भेजा वृंदावन की खोज करने के लिए। वृंदावन एक जंगल था, घना जंगल था, लेकिन वहां उन्होंने खोज की कौन कौन से स्थान, क्या क्या भगवान ने लीलाएं की है। उन्होंने मंदिर बनाए, उन्होंने वहां ग्रंथों की रचना की। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है हम पर, उन्होंने हमें बताया आराध्यो भगवान ब्रजेशतनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रज वधू वर्गे ने कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण अम्लम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतम तत्राद्रो न परा। महाप्रभु ने बताया कि हमें किसकी आराधना करनी चाहिए, आराध्य भगवान ब्रजेशतनयो ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की, तद्धाम वृंदावन इनका धाम वृंदावन है। कैसे, रम्य काचित उपासना ब्रज मधु वर्गे ने कल्पिता, इस प्रकार गोपियों ने
सब कुछ अपना सर्वस्व त्याग कर श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा की है। उस भाव से हमें भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम, मतलब श्रीमद् भागवत उस बात का प्रमाण है, और प्रेमापमृत महान पंचम पुरुषार्थ हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमितम तत्राद्रो न परा, ये मत किसका है? श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है ये, हम उसको स्वीकार करते हैं। तो महाप्रभु ने हमें वृंदावन की महिमा बताई। वास्तव में तीन वृंदावन है, एक गोलोक वृंदावन जहाँ भगवान नित्य लीलाएं करते हैं, दूसरा है गोकुल वृंदावन जहाँ भगवान आज से 5,000 साल पहले आए, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में जो वृंदावन है। इस प्रकार भगवान हर समय ना किसी न किसी लोक में, किसी न किसी ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं करते रहते हैं। उसको भौम्य वृंदावन कहते हैं, उसको गोकुल वृंदावन कहते हैं। और तीसरा वृंदावन है वृंदावन कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, हमारे हृदय में वृंदावन होना चाहिए। हम भगवान के बारे में सोचते रहे, उनका नाम लेते रहे, उनकी आराधना करते रहे, इस पर हमारा जो हृदय पवित्र होगा तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो वृंदावन कॉन्शियस बन जाएगी। तो गोलोक वृंदावन जाने के लिए पहले हमें अपने हृदय को, अपनी कॉन्शियसनेस को वृंदावन कॉन्शियसनेस में परिवर्तन करना है। जब हमारी वृंदावन कॉन्शियसनेस हो जाती है तब हमारा जो अगला जन्म है वो गोकुल वृंदावन में होता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हो रही होती हैं इस भौतिक जगत में, वहां उनकी लीलाओं में हम सम्मिलित होते हैं, वहां और हम पूरी तरह से दिव्य बन जाते हैं। उसके बाद फिर हम गोकुल वृंदावन में जाते हैं। तो वृंदावन कॉन्शियसनेस, गोकुल वृंदावन, गोलोक वृंदावन, ये तीनों वृंदावन चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है। तो हमें अपनी चेतना को वृंदावन कॉन्शियसनेस में परिवर्तन करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। वृंदावन की महिमा चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य प्रबोधन सरस्वती ने लिखी है, प्रातः तिष्ठ तले तिले विटपिना ग्रामेशु भिक्षा मठा सुसंद पिवे जले मुने अम्लम चीरानी पंथा कुरु सम्मानम अति घोर गरलम कलौ नीचापमान सुधा श्री राधा मुरली धरौ बस सके वृंदावनम मा त्यज। वो कहते हैं प्रातः तिष्ठ तले तले विटपिना, कि हम वृंदावन में जाए वहां पेड़ों के नीचे रहे, विटपिना अलग अलग पेड़ों के नीचे रहे, ग्रामेशु भिक्षा मठा गांव में जाकर हम भिक्षा याटन करें, यमुना जी का जल पिए ग्रामेशु भिक्षा मठा स्वच्छंद पिवे जल मुने अम्लम चीरानी पंथा कुरु, और जो ब्रजवासियों ने अपने फटे पुराने वस्त्र पहन लिए हैं उनको पहनकर गुजारा करें, सम्मानम अति घोर गरलम कलौ, और कलयुग में जो सम्मान है, मान प्रतिष्ठा है वो घोर गरलम बहुत विषैले विष की तरह से है, नीचा अपमानम सुधा, और यदि कोई नीच व्यक्ति हमारा अपमान करता है वो अमृत के समान है। श्री राधा मुरली धरो बस सके वृंदावनम मा त्यज, हे सखे मेरी आपसे प्रार्थना है कि तुम इन बातों को करो, वहां जाकर अच्छी सुविधा ना मिले तो ये लीजिए, और हमेशा राधा वृंदा श्री राधा मुरली धरो, राधा मुरली धरो का भजन करो, वृंदावनम मा त्यज, वृंदावन को छोड़कर मत जाइए। तो वृंदावन की अनंत महिमा है, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपनी कृपा से, वो लिखते हैं श्रीमद् भागवतम के 8वें चैप्टर के 14वें श्लोक में, कि जहां जहां हमारे मंदिर हैं वो वृंदावन ही है। तो प्रभुपाद जी ने हम सब के लिए ये सुविधा बनाई है कि हम वृंदावन जैसे एटमॉस्फेयर में रह सके, प्रभुपाद जी के मंदिर से कनेक्टेड बने, और हम अपने घर को और अपने मन को वृंदावन बनाए। ऐसा हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में प्रवेश कर पाएंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर वृंदावन धाम की महिमा के बारे में बताया, और तीन तरह का वृंदावन, गोलोक वृंदावन, गोकुल वृंदावन, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए वृंदावन कॉन्शियसनेस,
तो हम भक्ति के द्वारा अपनी कॉन्शियसनेस को वृंदावन सबसे पहले बना के उसके बाद आई थिंक एलिजिबल होंगे गोलोक वृंदावन जाने के लिए। आपने बड़े अच्छे से बताया, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।